ओम शांति। परम आदरणीय दादी जी का कहना है, हम रूहानी पथिकों का एक कार्य यह है कि हम दूसरों की मदद करें ताकि उन्हें अनुभव हो ईश्वर के साथ उनका संबंध है। इसका अर्थ है उन्हें उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व की पहचान करने में मदद करना। मैं ऐसा तभी कर पाऊंगी जब मैंने खुद में यह परिवर्तन लाया होगा। इस परिवर्तन में दो प्रकार की बाधाएं आ सकती है, एक तो मेरे चारों ओर के व्यक्तियों के प्रभाव से और दूसरी मेरे अंतकरण की गहराई में अंकित अति सूक्ष्म प्रभाव से। पहली कठिनाइयों का सामना करना तो बड़ा सरल है, क्योंकि मुझे दुख देने वाली उनकी संभावनाएं तो प्रायः स्पष्ट और प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। दूसरी कठिनाइयां अर्थात मेरे सूक्ष्म विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार अधिक समय ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है। इसलिए इनको पहचानना और इसका सामना करना और कठिन होता है। यदि मैं अपने दिल में एक भगवान को बसाती हूँ, अपना दिल केवल एक को देती हूँ, तो उससे मुझे खुशी मिलेगी और दुख कभी भी नहीं मिल सकता। मनुष्यों के दिल में खुशी भी मिल सकती है परंतु दुख भी मिलेगा मनुष्यों को दिल देने से, क्योंकि सबके प्रति श्रेष्ठ और रूहानी प्यार की मेरी मौलिक भावनाएं कम होकर एक सीमा में बंध जाती कि जिससे मेरा प्रेम होगा के प्रति भावनाएं कनेक्टेड होंगे। यह निरंतर खुशी का आधार नहीं है। विनाशी वस्तु या विनाशी व्यक्ति निरंतर खुशी का आधार नहीं है। जब मैं स्वयं को बार बार हद की भावनाओं के वश में हो जाने दूंगी तो मेरे रूहानी व्यक्तित्व को बहुत हानि पहुंचेगी। यह बेईमानी का सबसे सूक्ष्म रूप है, क्योंकि मुझे सीमित प्रेम का उदाहरण तो प्रस्तुत करना नहीं है, लेकिन मुझे दिव्यता का आदर्श बनना है। मेरा उद्देश्य दूसरों को अपने जैसा बनाना नहीं है, मेरा उद्देश्य दूसरों को अपने जैसा बनाना नहीं है परंतु उन्हें ईश्वर के समान बनाना है। इतने महान उद्देश्य को ध्यान में रखकर दादी जी ने अचल अडोल अवस्था अपनी बनाई और न सिर्फ खुद भगवान के समीप भगवान के समान बने परंतु सारी संस्थान को भी उच्चता के शिखर पर पहुंचाए, और जिसके बदौलत आज सारे संसार में करोड़ों आत्माएं बहुत दिल से यही कहती हैं, दादी जी भगवान का दूसरा स्वरूप है। भगवान कौन है, क्या है, वो दादी जी के व्यक्तित्व में दिखाई देता है। वो गीत के बोल याद आते हैं, उसको नहीं देखा हमने कभी, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। ए भगवान, ए माँ, तेरी सूरत अलग, भगवान की सूरत क्या, ए माँ तेरी सूरत से अलग, भगवान की क्या होगी। ओम शांति।